योगी सरकार ने जमीन कब्जा छुड़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है और ये टास्क फोर्स 3 स्तरीय होगी। चुनाव से पहले भी जमीन कब्जा को लेकर बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाती रही है और अब सरकार बनने के 1 महीने के अंदर योगी सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। तो अब आपको समझाते हैं किस तरह से कैसे इस पर कार्रवाई होगी। कब्जे की गई जमीन की पहचान और छुड़ाने की कार्रवाई होगी। इसके लिए 3 स्तरीय टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया गया है और जिला स्तर पर इस टास्क फोर्स का हेड डीएम को बनाया गया है। इसके साथ साथ मंडल स्तर पर कमिश्नर को इसका हेड बनाया गया है। चीफ सेक्रेटरी पर पूरे प्रदेश में इस टास्क फोर्स को हेड होंगे। हमारे संवाददाता विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। विवेक, चुनाव के प्रचार में प्रचार प्रसार के दौरान लगातार तब बीजेपी कहती रही कि अगर सरकार बनी तो भूमि माफियाओं के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे और अब अपना वादा को पूरा किया है। योगी सरकार ने 3 स्तरीय जांच टास्क फोर्स का गठन किया है। किस किस तरह से किस लेवल पर ये टास्क फोर्स काम करेगी और इसके साथ साथ किस तरह से देखा जाए कार्रवाई कैसे बढ़ेगी? देखिए, अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने इस बात को कहा था कि तमाम भू माफियाओं ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है और मथुरा का जवाहर बाग कांड जो हुआ था वो भी इसी अवैध कब्जे का परिणाम था। अब अपने संकल्प को पूरा करते हुए राजस्व विभाग की कल जो समीक्षा हुई है, जो प्रेजेंटेशन हुआ है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि एक टास्क फोर्स बनाइए और सरकारी जमीनों को चिन्हित करिए जहाँ पर माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, उन सारे कब्जों को मुक्त कराया जाएगा। तो अब राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है कि उनको ये टास्क फोर्स बनानी है और मुख्य सचिव और मंडल स्तर पर भी इसकी अलग से फोर्स गठित होगी। यानी एक तो प्रदेश स्तर पर होगी, दूसरी की मंडल स्तर पर भी होगी और जिला स्तर पर भी टास्क फोर्स होगी। यानी प्रदेश की सरकार की जो जमीन है उसको देखने के लिए अलग और जो जिला प्रशासन की जमीनें हैं या फिर मंडल कार्यालय से जुड़ी हुई जमीनें हैं, उन सभी जमीनों को अपने अपने टास्क फोर्स बना करके किया जाएगा। यानी 3 स्तर पर है, एक प्रदेश स्तर पर है, एक मंडल स्तर पर और एक जिला स्तर पर है। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ क्योंकि सरकारी जमीन पर कब्जे उत्तर प्रदेश में भारी पैमाने पर है और वहां पर लोगों ने न केवल अनाधिकृत निर्माण करा लिया है बल्कि कई जगहों पर तो प्लॉटिंग करके बेच दिया गया है। लखनऊ में भी इसी तरह का एक मामला भी सामने आया था जिसमें पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वो आवास विकास की जमीन थी लेकिन उसको खुद कुछ बिल्डरों ने, कुछ लोगों ने कब्जा करके उसको प्लॉटिंग करके दूसरों को बेच दिया था। तो ऐसी सारी जमीनों को सरकार वापस लेना चाहती है, उसके लिए टास्क फोर्स बनाने के निर्देश कल दिए गए। जी शुक्रिया विवेक आपका पूरी जानकारी के लिए।